हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले टेक्निकल राउंड के कुछ क्वेश्चंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि मैम टेक्निकल राउंड हम लोग को जो मेल आया है वहाँ पर तो टेक्निकल राउंड लिखा ही नहीं है, वहाँ पर सिर्फ मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, टेक्निकल तो है नहीं, तो फिर ये टेक्निकल राउंड क्या है? तो गाइस, टेक्निकल राउंड ही मैथमेटिक्स राउंड है। आपका जो वहाँ मैथमेटिक्स राउंड लिखा हुआ है जहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन होंगे और आपको 10 के 15 क्वेश्चन है जिसमें आपको 35 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, 10 क्वेश्चन में 35 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, वही आपका टेक्निकल राउंड है। यानी मैथमेटिक्स और टेक्निकल दोनों सेम है, दोनों अलग नहीं है। तो जो भी बच्चे इस बात से कंफ्यूज हैं, आई होप आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं और कुछ लोगों ने कहा था कि मैम थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड कर दीजिए कि किस तरह से हम प्रिपेयर करें। तो देखो, आप लोग के पास बस आज भर का टाइम है, कल आपको मॉर्निंग में 10 बजे से पेपर है, ठीक है? तो आप लोग पास 10 आज रात भर का टाइम है, तो आप लोग एक काम करो, क्विक रिविजन करो। जो भी मैंने टॉपिक आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक बताए हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स से आएंगे क्वेश्चन, कुछ बाहरी क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। क्वेश्चन पेपर भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। क्वेश्चन पेपर के पासवर्ड जो है वो टेक लेक्चर पासवर्ड है और सारे टेक लेक्चर आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, बीच में गैप नहीं होगा, आप टेक लेक्चर लिखना, आपको वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो उस फाइल को आप ओपन करो और जो मैंने सिलेबस बताया है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आप इंडिविजुअली टॉपिक को लेना और उस टॉपिक को नेट पे सर्च करो, उससे रिलेटेड बहुत सारी मटेरियल मिल जाएगी, आप उसे पढ़ो, ठीक है? रात भर का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत कम ही टॉपिक मैंने बताया हुआ है, ज़्यादा टॉपिक नहीं बताए हैं। प्लस इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपका हर सेक्शन में 70+ आना चाहिए, यानी कि 70% आना चाहिए हर एक सेक्शन में। अगर आपको इंटरव्यू के लिए मेल चाहिए तो 70% से कम होगा तो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग अपना ट्राई करें कि 70% तक आ जाए, ठीक है? और हाँ, इसमें आप स्विच नहीं कर सकते, सेक्शन स्विच नहीं कर सकते हो। फर्स्ट सेक्शन आपका रीजनिंग है तो फर्स्ट रीजनिंग ही होगा और रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद ही आपका सेकेंड राउंड आएगा। सेकेंड जो राउंड होगा आपका टेक्निकल होगा, जिसको मैथमेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है? तो आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा तो ही सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, आप स्विच नहीं कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है स्किप एंड सबमिट, अगर आपने एक बार भी किसी भी क्वेश्चन को स्किप कर दिया तो दोबारा उस क्वेश्चन को आप अटेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन स्किप मत करना आप लोग। और जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो गलत ही टिक करो, लेकिन आप छोड़ना मत, आप वैसे ही ऑप्शन अपने कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, रैंडमली कोई भी आंसर चूज कर लेना, तो वैसे ही आप कोई भी आंसर चूज कर लेना अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो। लेकिन क्वेश्चन छोड़ना मत, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। हो सकता है बाई चांस जो आप चूज कर रहे हो, एज्यूम कर रहे हो कि हाँ ये आंसर हो सकता है, मे बी वो सही हो जाए, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को स्विच मत करना। नहीं आ रहा है तो कोई भी एक ऑप्शन टिक करके आगे चले जाना, ठीक है? ज़्यादा टाइम मत बर्बाद करना क्योंकि आप लोग का टाइम ज़्यादा है नहीं इस पर, तो आपका रीजनिंग में भी टाइम अच्छा खासा है और ये टेक्निकल राउंड में भी टाइम है। वर्बल में टाइम नहीं है, वर्बल में 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट का रहेगा, तो टाइम बहुत कम है और आपका आंसर ज़्यादा है, ठीक है? तो आप लोग उसमें टाइम बर्बाद मत करना। उसमें जो फिल द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं, मुझे कमेंट आया था कि मैम फिल द ब्लैंक्स के क्वेश्चन के लिए कुछ बता दीजिए, फिल द ब्लैंक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइस, जो फिल द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आप लोग क्या करना है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है अगर आपकी इंग्लिश सही है तो ठीक है, लेकिन आपकी इंग्लिश वीक है तो उस केस में आप लोग क्या करना, जो ऑप्शन दिया रहेगा उन ऑप्शन को देखना और आपके कोई फ्रेंड बगल बैठा है या आपका कोई भाई बैठा हुआ है जो कि आपको हेल्प कर रहा है, तो उससे बस करना कि ये सर्च करो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वो आपको मीनिंग बता देगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखना कि क्या उसमें कौन सा फिट होगा और उसके अकॉर्डिंग आप उसको करना, ठीक है? तो फिंगर ब्लैंक्स में ये नहीं है कि आप उन्होंने कर लोगे, क्योंकि उसमें से चार ऑप्शन रहते हैं जिसमें तीन ऑप्शन जो होते हैं वो आपके सेम होते हैं आंसर, बस उसकी मीनिंग अलग अलग होती है। इंग्लिश में मीनिंग, इंग्लिश में जो वर्ड होंगे वो अलग अलग होंगे लेकिन मतलब सबका एक ही रहेगा, एक होता है आपका डिफरेंट, ठीक है? तो वो आप उसमें चूज कर लेना, तो वैसे आपका ब्लैंक्स हो जाएगा। और भी बहुत सारे टिप्स मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, आप लोग इसे एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। और रीजनिंग के लिए डाटा इंटरप्रिटेशन जरूर आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे और बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आपके ईजी रहेंगे, लेकिन डाटा इंटरप्रिटेशन एक बार जरूर आप लोग देख लेना। और आपको एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, सेक्शंस हो गए, इन सब पे क्वेश्चंस आएंगे। नंबर सिस्टम आप लोग पढ़ें, रियल नंबर पढ़ लेना क्योंकि एलसीएम से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे एचसीएफ से भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इन टॉपिक्स को आप लोग कवर कर लेना। सूडो कोड के लिए ऑलरेडी मैंने सिस्टम वाई को जो पेपर हुआ था उसमें जो सूडो कोड के क्वेश्चन आए थे वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे एक बार चेकआउट कर सकते हो। अब प्लस में जो इन्फोसिस का प्रिपरेशन करवा रही थी
अगर मैं सूडो कोड के क्वेश्चन आप लोग के संग शेयर किया था, ठीक है, तो आप एक बार उसे देख लेना तो आपका सूडो कोड का हो जाएगा। उसके बाद से बचता है आपका पजल, तो पजल में देखती हूँ तो रात के 9-10 बजे तक आपको पजल के भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी, क्वेश्चन कुछ प्रोवाइड कर दूंगी। वैसे पजल्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप पजल्स देख सकते हो, वहाँ से देख सकते हो कैसे कैसे करना है। अदरवाइज मैं शाम तक कोशिश करती हूँ आपको रात के 8-10-11 बजे तक पजल्स के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा दूंगी। इसके बाद में अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे फटाफट कमेंट कर देना, ताकि जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट कर देना, मैं आपको लास्ट में आपको जो रात में वीडियो प्रोवाइड करूंगी उस समय वो चीज़ें क्लियर कर दूंगी। एंड पासवर्ड चेंज करना जरूरी है क्या? तो हाँ, पासवर्ड चेंज करना जरूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन लोगों का जो पासवर्ड वो लोग दिए होंगे वो थोड़ा अजीब सा पासवर्ड होगा जो कि आपको याद नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर आप पासवर्ड चेंज कर लेते हो तो उससे क्या होगा कि आपका पासवर्ड आपने खुद बनाया तो पासवर्ड आपको याद रहेगा, तो आगे इंटरव्यू के लिए भी आपको लॉग इन करना पड़ेगा, HR राउंड होगा उसमें भी लॉग इन करना पड़ेगा, तो वो जो आपका पासवर्ड रहेगा तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसलिए पासवर्ड आपको चेंज कर लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि पासवर्ड क्या अभी चेंज करें कि एग्जाम देने के टाइम चेंज कर सकते हैं? तो आप एग्जाम देने के टाइम चेंज कर सकते हो। तो एग्ज़ाम देने से पहले, यानी कि आपका अगर 10 बजे से पेपर है तो आप 10 मिनट पहले स्टार्ट करना और लॉग इन करना, ठीक है। एक बार लॉग इन आप कर लिए, पासवर्ड चेंज कर लिए, तो बैक मत आना, आप वहीं वेट करना जब तक वो पेपर स्टार्ट नहीं हो जाता है। बैक मत आना, आप वहीं वेट करना, उसका पेपर स्टार्ट होगा, जो पासवर्ड आपने चेंज किया हुआ है वही आपका पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा कि आप एग्जाम के टाइम पासवर्ड चेंज करो, 10 मिनट पहले लॉग इन कर लेना आप, अपना चेंज करके बैठे रहना, उसका जब पेपर स्टार्ट होगा तो आपका होगा, ठीक है। तो आई होप मैंने सारी डाउट्स आपके कवर कर दी है, लेकिन अगर इसके बाद भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। फिलहाल यहाँ चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन आपको कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर कोडिंग सिस्टम से क्वेश्चन है, जिसमें चेयर का कोड दिया हुआ है 301018 और टेबल का कोड बोला गया है कि टेबल का कोड क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिए, इनमें से आपको चूज करना है। प्लस मैंने जो पेपर आप लोगों को प्रोवाइड किया उसमें मैंने एडिट क्या किया कि ईमेल आईडी को हाइड किया हुआ है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पज, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पज की वजह से मैंने हाइड किया हुआ है ईमेल आईडी। तो बहुत लोगों को ये लग रहा है कि मैंने आंसर हाइड किया है, तो मैंने आंसर नहीं हाइड किया है, ये भी आप लोग अपने माइंड से हटा देना, मैंने वहाँ ईमेल आईडी को हाइड किया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, आपको उसमें से अपना ऑप्शन चूज करना है जो पेपर में आप लोगों को प्रोवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन इतने सारे दिए हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, आपको इसके सॉल्व कैसे करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने क्या किया, पहले ABCD लिख लिया है, क्योंकि ABCD मैंने इसलिए लिख लिया ताकि आपको पेपर करने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चेयर को मैंने क्या किया, सी जो है आपको यहाँ देखो, सी कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। H को भी रहने दो, A कितने नंबर पे है, 1 पे है, तो यहाँ मैंने 1 लिखा। I को रहने दो, और R कितने नंबर पे है, 18 पे, ठीक है। तो यहाँ मैंने उन चीज़ों को पुट कर दिया, बीच बीच में 0 डाल दिया है। तो ये आपका कोड जो दिया गया था वो आपका यहाँ पर कोड हो गया, ये कोड आपका यहाँ वहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, चेयर का कोड। अब ऐसे हमें टेबल का कोड निकालना है। तो यहाँ पे आप देखो जो टी है आपका कितने नंबर पे है, टी आपका 20 नंबर पे है, ठीक है, टी आपका 20 नंबर पे है। उसके बाद जो बी है, बी कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो इसलिए यहाँ 2 लिख दिया। फिर एल को रहने दो, ई देखो ई कितने नंबर पे है आपका, 5 नंबर पे है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ मैंने 5 लिख दिया। अब बीच में क्या करना है, जो 1-1 का स्पेस है उसमें आपको 0 पुट कर देना। मैंने यहाँ 0 पुट किया, यहाँ 0 पुट किया, तो क्या बन गया, 200205, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में ये ऑप्शन कहाँ है, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया गया है कि आपको फाइंड करना है ऑड पेयर, ऑड पेयर आपका क्या है वो चीज आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 84, 96, 27, 72, 12, 96, 72 एंड 96। तो अब इसमें ऑड पेयर कौन कौन सा है वो हमें पता करना है। ऑड और इवन क्या होते हैं, इवन जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमें वही चीज यहाँ पे फाइंड करना है कि इसमें जो ऑड पेयर कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखो, स्क्रीन पे आ जाओ, इसे थोड़ा सा नीचे करती हूँ। यहाँ पे आप देखो मैंने क्या किया, ये पेयर बना हुआ है, ठीक है, ये पेयर आपको जो दिए गए हैं वो पेयर यहाँ पे दिए गए हैं। मैंने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके 12 आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 48 आ गया, इन दोनों को किया तो 84 आ गया, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 24 आ गया। अब ये जरूरी नहीं है कि आप सब्ट्रैक्ट ही करोगे, ठीक है, वहाँ पे इस टाइप के आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप चाहे इसमें सब्ट्रैक्ट करो, चार ही चीज़ें अप्लाई करनी है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यही चार चीज़ें आपको अप्लाई करके देखना है। 35 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, बहुत टाइम है, 10 ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आराम से करना, बिल्कुल भी हड़बड़ी मत करना आप लोग, ठीक है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा इस टेक्निकल राउंड के लिए।
तो यहाँ पे आप देखो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। इस तरह से आप क्या करना, ये बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, प्लस सिंक करना, माइनस सिंक करना, जिससे हो जाए, जिससे आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाए, आप वो चीज वहां पर वो रूल फॉलो करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको क्या किया, डिवाइड माइनस किया, माइनस करने के बाद आ गया 12, 48, 84 एंड 24, ये ऑप्शन आए हैं। अब मैंने क्या किया, 12 को 12 की टेबल 48 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है। 84 कितने बार में आता है, 7 बार में आता है। 24 2 बार में। यहाँ पे आप देखो जो 4 है ये आपका क्या है, ये आपका इवन है। 2 क्या है, ये भी आपका इवन है, ठीक है। यहाँ पर देखो तो आपका आपका अलग क्या है, 7, 7 जो है वो आपका ऑड है, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन यानी 12 एंड 96 ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा आपका ऑड पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दिया गया है जहाँ पे हमें पता करना है कि मिसिंग टर्म क्या है, 0, 1, 2, 6, 16, 44, 120 और क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपका क्या नंबर होगा, ठीक है, तो वो नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने वो सीरीज लिख लिया है, और यहाँ पे देखो आप सभी में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 12 2, फिर 0 प्लस 1 कितना होगा, 0 प्लस 1 1, 1 × 2 आपका 2 हो गया। तो ये देखो आपको यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 2 आपका आ गया। फिर इसके बाद से आपको क्या करना है, ये नंबर यहाँ लाना है, इस 2 को यहाँ पे लाना है, 2 प्लस 1 3, 3 × 2 6, तो ये आपका 6 ऑप्शन आ गया। उसके बाद से इस 2 को आप यहाँ ले जाओ, इस 6 को आप यहाँ ले जाओ, अब इन दोनों को ऐड करके और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से आप करते जाओगे, तो यहाँ लास्ट नंबर बोला गया है, तो लास्ट में देखो 44 प्लस 120, तो ये रहा आपका 44 और ये रहा 120, और दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 328, तो ये आपका आंसर जो है ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैम कैसे पता चलेगा कि हमें यही लॉजिक लगाना है, यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलेगा, आपके प्रैक्टिस पे है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ईजी वे में आपको आंसर पता चल जाएगा। यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है ना कि 2 से मल्टीप्लाई करने पे ही आंसर आ जाते हैं, तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको जिसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करोगे और आपको आंसर आ जाएंगे। इसीलिए आपको पहले ट्राई करना कि दो चीज का कॉम्बिनेशन, दो चीज का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, कुछ भी करो आप, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या आपका वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपका आ जाता है तो उस ऑप्शन को वही रूल फॉलो करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, और जो भी सीरीज दिया होगा सॉल्व करना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में आप देख सकते हो आपको यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, और पता करना है कि इसमें रॉन्ग टर्म कौन सा है, ठीक है, गलत जो टर्म है, गलत वर्ड जो है वो कौन सा है, ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दिया हुआ, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन को, यहाँ पे देखो टास्क लिखा है, टास्क के बगल में क्या किया गया, एक यू यानी कि एक चीज इंक्रीज किया जा रहा है। ये 4 अल्फाबेट से मिलकर बना है, ये आपका 5, ये आपका 5 से बना है, 4, 5, 6 ये आपका 6 से बना हुआ है। उसके बाद से ये देखो तो आप, ये आपका 7 से बना हुआ है, ये आपका बना है 7 से, और ये वाला बना है आपका 8 से, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन ये सारे हैं जिनका दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे देखो एक एक इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन उस इंक्रीज के साथ साथ उस चीज को होल्ड भी किया जा रहा है, और उसके आगे एक न्यू वर्ड, एक न्यू अल्फाबेट ऐड किया जा रहा है। यहाँ देखो यहाँ टास्क है, टास्क के आगे यू ऐड किया गया, अब यहाँ देखो यू तो है लेकिन साथ में एक अल्फाबेट और ऐड कर दिया गया है बी, अब यहाँ पे देखो यू बी दोनों है, साथ में एक और ऐड कर दिया गया है आर। इस तरह से यहाँ पे देखो तो आपका आर भी होना चाहिए, यहाँ पे यू भी है बी भी है लेकिन आर नहीं है, एक अल्फाबेट ऐड तो हो रहा है लेकिन यहाँ टी की जगह क्या होना चाहिए था, आपका आर होना चाहिए था। तो आपको यहाँ पर रॉन्ग टर्म पता करना था, तो ये वाला जो है टर्म, ये वाला जो वर्ड है ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये वाला आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहचान करना है, जिससे कि आपको इजीली पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन गलत है कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख लो यहाँ पर आपको मिसिंग टर्म पता करना है, 44, 55, 68, 83 फिर क्वेश्चन मार्क एंड 1119, तो आपको इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा ये आपको यहाँ पर पता करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 11 का है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 13 का है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 15 का। तो आप देखो दो दो इंक्रीज होते जा रहे हैं, 11 में प्लस 2 किए 13, तो इन दोनों में 13 का डिफरेंस हो गया, फिर इन दोनों में 13 2 को डिफरेंस है यानी 2 ऐड कर दो 15 है, यानी कि इन दोनों में 15 का डिफरेंस है। तो अगर हम उसी सीक्वेंस को अगर फॉलो करें तो 11, 13, 15, 15 के बाद क्या आएगा, 2 ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 17,
70 में 2 ऐड करो तो आपका आ जाएगा 90। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 44 में 11 को ऐड किया तो आ गया आपका 55, जो कि यहाँ दिया है। 55 में 13 को ऐड किया तो आ गया 68, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद 68 में 15 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 83, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर भी दिया गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो आपको इसमें 50 में 2 ऐड कर दोगे हो जाएगा 70, तो 83 प्लस 70 हो गया 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे 100 तो होगा कि ये कंफर्म करने के लिए कि सच में 100 होगा नहीं, तो इसमें क्या करो 70 में 2 और ऐड कर दो हो जाएगा 19, और 100 प्लस 19 119। तो आप देखो ये वाला भी टर्म आ रहा है, तो यानी कि इसका ऑप्शन जो है ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 100 होगा, तो आपका 100 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गलत हो गया है, ये आंसर 119 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 100, ठीक है। यहाँ पे 100 आपका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे देखो ऑप्शन बी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, और टर्म पता करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है जिस तरह से मैंने अभी ऊपर किया था, और टर्म पता किया था, उसी तरह से आपको ये वाला सॉल्व करना है। ये सॉल्व करके आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं भी देखती हूँ आप लोग कितने तक हद तक सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्टेन कोड दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे रीजनिंग का कोड है 111 और एप्टीट्यूड का आपको कोड बताना है कि क्या होगा। चलो भाई ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो रीजनिंग का कोड कितना दिया है, 101 दिया है, ठीक है, और एप्टीट्यूड का कोड पता करना है। तो यहाँ पे देखो आर जो है आपका वो 18 नंबर पे आता है, ई आपका 5 नंबर पे आता है, ए आपका 1 नंबर पे आता है, एस आपका 19 पे आता है, ओ आपका 15 पे आता है, एन आपका 14 पे आता है, आई आपका 9 पे आता है, ये वाला जो एन है ये आपका 14 पे आता है, और जो आपका जी है वो आपका 7 पे आता है। इन सबको ऐड कर दो, 111 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यही रूल आपको इधर भी फाइंड पता करना है, इधर भी वही रूल अप्लाई करना है। ए जो है आपका 1 नंबर पे आता है, बी आपका 16 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है, आई आपका 9 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है, यू जो है आपका वो 21 पे आता है, डी आपका 4 पे आता है, एंड जो ये है ई ये आपका 5 पे आता है। इन सबको ऐड करोगे तो 104 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका 104 ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैट टेट पैट का जो मतलब दिया गया है, वॉटर इज ट्रांसपेरेंट, मैट टेट का मतलब दिया गया है ट्रांसपेरेंट ग्लास, और आपका टेट पैट कैट का मतलब दिया गया है ग्लास एंड वाटर। तो पूछा गया कि एंड का क्या कोड होगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया मैट टेट कैट और पैट, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा, चलिए देख लेते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे आप देखो मैट और टेट और पुट का मतलब क्या दिया गया है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैट का दिया गया है वाटर, टेट का इस मतलब टेट एंड पुट मतलब ट्रांस, अब ये जो ही नहीं कि यही दिया गया, लेकिन एक चीज कॉमन देखते हैं हम लोग कॉमन क्या निकल रहा है, ठीक है। तो ये है इसमें मैट और कैट का क्या दिया है, ट्रांसपेरेंट और ग्लास, और फैट फैट कैट का दिया गया है ग्लास एंड वाटर, ठीक है, और हमें एंड का पता करना है। तो आप यहाँ देखो ये दोनों में ट्रांसपेरेंट आ रहा है, ठीक है, आप देखो इन दोनों में ट्रांसपेरेंट है, तो इन दोनों का कोड देखो, इन दोनों के कोड में क्या कॉमन है, यहाँ पे मैट कैट है, यहाँ मैट टेट पुट है, तो यहाँ पे देखो मैट कॉमन है, ये कॉमन है आपका, यहाँ पे ये कॉमन है और यहाँ पे ये कॉमन है, तो जिससे आपको ये पता चलता है कि ट्रांसपेरेंट का क्या हो जाएगा, मैट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट का क्या हो जाएगा आपका, मैट, ठीक है, ये चीज यहाँ से पता चल गया। नेक्स्ट आप देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में क्या है, इन दोनों में कॉमन, याद है यहाँ पे भी ग्लास है यहाँ पर भी ग्लास है, ठीक है, तो इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ है सिर्फ एक कैट बच रहा है और यहाँ पर कैट कॉमन है, ठीक है, तो यानी कि ग्लास का क्या हो जाएगा आपका, कैट हो जाएगा, ये चीज ग्लास का ही पता चल गया, ग्लास का क्या दिया गया है, कैट, ये भी आपका हो गया। अब बच रहा है क्या आपका, वाटर, ठीक है, ग्लास का हो गया, अब यहाँ देखो वाटर आपका यहाँ पे है और आपका वाटर जो है यहाँ पे भी है, ठीक है, तो अब इन दोनों में कॉमन देखना है, तो ये देखो आप ये आपका पुट है, पैट, यहाँ पर पैट है, ठीक है, ये पुट नहीं है, ये गलत हो गया है, ये पैट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे है वाटर और यहाँ पे है वाटर, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों की जो कोड दिए हुए हैं इन दोनों कोड में कॉमन क्या है, तो कॉमन देखो आपका ये पैट और यहाँ पर भी पैट दिया गया, ठीक है, तो ये पैट आपका कॉमन है, ठीक है, तो यानी कि आपका हो सकता जो वाटर है, वाटर का कोड क्या हो जाएगा, पैट, वाटर का क्या हो गया, पैट, ठीक है। तो अब हमें क्या पता करना है,
एंड का पता करना है तो आप यहाँ देखो, आपका ये पेट गया, कैट गया, बचा क्या, सेट, और जो कि आपका कोड है एंड का, तो यहाँ पे एंड का क्या कोड हो जाएगा, सेट, ठीक है। तो ये वाला आंसर होगा आपका ट्रू, तो एंड का क्या हो गया, पेट हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका हो गया ऑप्शन बी, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका ट्रू हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन करना है, जिस तरह से मैं लॉजिक अप्लाई कर रही हूँ इसी तरह से आप लोग लॉजिक अप्लाई करना, टाइम अच्छा खासा आपको मिल रहा है, आराम से करना, बिल्कुल भी हड़बड़ी मत करना, और नहीं एक बार में समझ आ रहा है तो आप लोग दोबारा उसको पढ़ के समझने की कोशिश करना, लॉजिक निकालने की कोशिश करना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखो, ट्रिमर का कोड क्या दिया गया है, 4226672, सीजर का कोड क्या दिया गया है, 3523382, ठीक है। तो हमें सेविंग का कोड बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ ट्रिमर का कोड क्या है, 4226672, सीजर का कोड क्या है, 3523382, और सेविंग का हमें बताना है। तो आप इस कोड को मैंने कैसे किया वो आप समझे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो एस के बाद क्या आता है, आपका टी आता है, ठीक है। अगर टी हमारे फोन नंबर पे बता रहा है तो यहाँ पर उससे एक कम क्या आएगा, एस आएगा, एस पहले आ रहा है फिर टी आ रहा है, तो फोर से पहले क्या आता है, थ्री आता है, तो यहाँ पे देखो आपका थ्री लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन निकाली मैंने, तो ये चीज मुझे पता चला कि यानी कि एक कम आपका इधर होगा, ठीक है। तो चलिए वो देख लेते हैं, तो कैसे आप करोगे, उसी तरह से यहाँ पर देखो एस का आपको क्या दिया है, यहाँ पर थ्री दिया गया है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, एस की जगह पर थ्री रख दिया, ठीक है। उसके बाद से आता है आपका एच, एच आपका वन नंबर पे कैसे आया, तो एच के बाद क्या आता है, आई, और यहाँ पे आप देखो तो आई पे क्या है आपका, टू है, ठीक है। तो आई से पहले एच आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया एच की जगह वन, ठीक है। अब इसके बाद है ए, ए का यहाँ से देखो यहाँ पर सी है, ए और सी का रिलेशन निकालते हैं, तो सी हमारा फाइव नंबर पे, तो सी से पहले बी आता है, बी आपका फोर नंबर पर गया, और बी से पहले क्या आता है, ए, तो अगर बी फोर पे है तो ए आपका क्या हो गया, थ्री पे, तो इसलिए मैंने यहाँ रख दिया थ्री, ठीक है। उसके बाद से आ रहा है वी, अब वी का देखो किससे निकलेगा आपका, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, ठीक है, एस टी यू वी, तो टी हमारा फोर पे है तो यू हमारा कितना होगा, फाइव, तो वी हमारा हो गया सिक्स पे, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया सिक्स। उसके बाद आई, तो आई आप क्या करोगे यहाँ पे, आई आप यहाँ पे देखो इस यहाँ पे आई, यहाँ पे भी आई है, आई का क्या दिया है, क्या टू, और यहाँ पर भी आई दिया गया है, आई की वैल्यू दी गई है टू, तो यहाँ पर मैंने इसको टू रख दिया, ठीक है। उसके बाद है एन, एन का कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे देखो एम कितने नंबर पे है, सिक्स नंबर पे है, दोनों एम सिक्स सिक्स नंबर पे है, तो एम के बाद एन आता है, तो एम सिक्स पे है तो एन क्या हो गया, सेवन पे हो गया, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सेवन। उसके बाद आता है जी, तो जी के लिए क्या करोगे, जी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखो ई को देखो, ई आपका कितने नंबर पे है, सेवन नंबर पे है, तो ई के बाद आता है एफ, एफ के बाद आता है जी, ठीक है। तो ई सेवन पे है तो एफ जो होगा आपका एट पे होगा, और जी जो होगा आपका नाइन पे होगा, तो यहाँ जो जी हो गया वो आपका हो गया नाइन पे, तो ये हो गया आपका आंसर 3136279, ये आपका आंसर हो जाएगा, तो 3136279 ऑप्शन बी यहाँ पे आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना है, इसका आंसर लगा दोगे ये, ठीक है। और एक चीज और आप एक काम कर सकते हो, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश जब करोगे, नहीं हो रहा है तो आप रिलेशन निकालने की बस कोशिश करें, ठीक है। आप जो भी लॉजिक अप्लाई करते हो या फिर आपने कहीं और से कुछ चीज़ें सीखा है, आप उन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हो और तो भी नहीं होता है, तो आप बस रिलेशन निकालने की कोशिश करना। इसमें ज़्यादातर फंडा आपका रिलेशन का है, जहाँ रिलेशन पता चल गया, दो लोगों के बीच का रिलेशन पता चल जाएगा तो थर्ड वाले का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादातर कोशिश करना रिलेशन निकालने की। ओके, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख सकते हो 232:529 दिया है, 322:1024 दिया है, और आप पता करना है एक्स की वैल्यू क्या होगी, 123:x, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका रेशियो हम निकाले, तो आप देखो 23 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आपका आता है 529, ठीक है। इनका हमने स्क्वायर किया तो कितना है, 529। उसके बाद से अगर आप इन दो आगे दो डिजिट को स्क्वायर कर दो तो आपका आ रहा है 1024। उसी तरह से अगर हम 12 का यहाँ पर 3 है तो क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो क्यूब करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये, तो आपका 1728 आपका आंसर होगा। यानी क्या करना है, हमको दो डिजिट को लेना है, उसके बगल में जो ऑप्शन लिखा है, जो भी नंबर लिखा है, उतने का स्क्वायर है या क्यूब है, तो आपको वो कर देना, आपका वो चीज़ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, तो ये आपका नाइन्थ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है,
यहाँ पे आपको रॉन्ग टर्म पता करना है। यहाँ पर एस आर क्यू ओ एम एन के एल एम जी एफ ई सी बी ए ये दिया है, इसमें कौन सा टर्म रॉन्ग है वो आपको पता करना है। तो आप यहाँ देखो, इधर से हम ए बी सी डी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ए बी सी, फिर यहाँ पर डी गायब है, ठीक है। डी हो गया ई एफ जी, फिर यहाँ पर देखो तो एच आई जे के एल एम, एम आ रहा है एम, फिर एन के बाद एन होना चाहिए एम एन ओ, तो यहाँ नहीं है, ठीक है। इसका यहाँ देखो तो एम एन ओ क्यू आर एस, ठीक है, ये आ रहा है। लेकिन ये देखो, ये सब सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ए बी सी फॉलो कर रहा है, ई एफ जी फॉलो कर रहा है, एम एन ओ फॉलो कर रहा है और क्यू आर एस भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। एम एल की ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो यानी ये वाला टर्म जो है आपका ये गलत है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा के एल एम, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, पेपर आराम से देना, आप लोग बिल्कुल भी घबराना मत, पेपर बहुत ईजी आता है, ठीक है। आराम से पेपर दोगे तो आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और आप ये सोचो कि कोई आपकी हेल्प कर रहा है, बैठ के उसकी चैटिंग देख रहे हैं, उसने क्या आंसर भेजा है वो आंसर टिक करेंगे, तो ऐसी गलती मत करना आप लोग। अगर ऐसे करोगे तो आपका पेपर रह गया, खुद से पेपर सॉल्व करो, काफ़ी हद तक आप लोग सही कर लोगे। उसके बाद से आपको जो जहाँ जो लगता है कि नहीं आ रहा है आपको, आप पहले खुद से सॉल्व करो। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, और अगर आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया है या कुछ भी किया है जहाँ से आप हेल्प ले रहे हो, तब उसके हेल्प लो। पता नहीं वो बंदा आपको बता रहा है वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है, ये तो आप नहीं जानते ना, लेकिन तब आप हेल्प लो। तब देखो जब आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, आप लोग पढ़े लिखे हो यार, बीटेक कंप्लीट किए, इतने ईजी क्वेश्चन तो आप लोग कर ही सकते हो। तो आप लोग अपने पर फोकस करो, अपने पर बिलीव रखो कि आप करोगे सही करोगे, ठीक है। दूसरे की हेल्प ले रहे हो, ठीक है, लेकिन उस वक्त लो जब आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होने वाला है, तब आप हेल्प लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ठीक है, कहा क्वेश्चन आपको मिसिंग टर्म पता करना है, डी एट टी जे 64 पी पिन डैश, यहाँ बताना क्या होगा, बी 512 एच, ठीक है। आप जो फिंगर ब्लैंक से यहाँ बताना है कि यहाँ पे क्या फिल होगा, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। डी 8 टी दिया है, जे 64 पी एंड बी 512 एच, ठीक है। यहाँ देखो 2 का अगर क्यूब करें तो आपका 8 आ जाएगा, 2 2 4 4 2 8, अगर 4 का करें तो 4 4 16 16 4 आपका 64, ठीक है। इस तरह से आपको क्यूब निकालो तो आपको हो जाएगा। उसे देखो यहाँ पे 8 का क्यूब क्या है आपको 512, तो आप देखो यहाँ 2 है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, आप 2 की टेबल पढ़ो, 2 2 4 2 3 6, 2 4 8, यहाँ पे आपका क्या आएगा 6, और 6 का क्या देखो सब में कॉमन क्या है क्यूब, तो 6 का क्यूब क्या होता है आपका, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है, 1216 ये आपका होता है इसका क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब हमें ये आगे की जो अल्फाबेट है वो चूज करना है, ठीक है, क्या होगा। अब यहाँ देखो D E F G H I J K L M N, पूरा मैंने कहाँ तक लिखा है, B तक लिखा, लास्ट टर्म आपका यहाँ B है तो मैंने B तक लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर 3 to 5 डिजिट के बाद से आपका आ रहा है J, तो यहाँ पे भी हम 5 डिजिट के बाद क्या आ रहा है आपका P, और P के बाद 5 डिजिट के बाद क्या है आपका V, तो ये आपका रूल फॉलो, यानी कि 5-5 का गैप है, तो 5-5 के गैप के बाद जो डिजिट आएगा वो होगा, यानी कि यहाँ पर होगा आपका P, ठीक है। अब हमें पता करना है इस साइड क्या होगा, देखो यहाँ हो गया, आपको इतना पता चल गया, अब ये लास्ट में क्या होगा वो देखना है, ठीक है। तो लास्ट में आप देखो एच और टी इधर जा रहा है, ठीक है, अपोजिट की तरफ जा रहा है, तो हमें क्या गया एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एच टी, टी तक लिख लिया। अब यहाँ पे देखो एच, एच के बाद आई जे के, तो आप यहाँ इसको रहेंगे इधर से देखते हैं, ठीक है, टी है, टी के बाद पी कितने का है यहाँ पे, गैप कितने का है 3 का है। इसके बाद से यहाँ पे देखो 3 का गैप पे कौन सा लेटर आ रहा है आपका एल आ रहा है, और फिर इसके 3 गैप के बाद आपका आ रहा है एच, तो यानी कि यहाँ लास्ट में होगा आपका एल, ठीक है। इस तरह से पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसका पी 216 एल, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे ऑप्शन आपका सेकेंड जो है पी 216 एल, ये आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कोड में वही दिया है, थ्रीमर का कोड दिया हुआ है, सीजर का कोड दिया है, सेविंग का कोड बताना है, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ गया, ये रहा, मैंने अभी इसको एक्सप्लेन किया था, वही चीज फिर से क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्वेश्चन है कि आपको मिसिंग सीरीज पता करना है, 15 52 55 60 67 के बाद क्वेश्चन मार्क है और 91, आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा वो आपको पता करना है। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे देखो 50 52 55 60 67 क्वेश्चन मार्क 91, तो आप याद देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, इन दोनों में कितने का है 3 का है, 3 के बाद 5 का है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद
यहाँ पर 19 है, ठीक है। तो आप ये देखो आपको ये क्या रूल फॉलो कर रहा है, ये प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो कि खुद से डिविजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2, 3, 5, 7 और 7 पर क्या आएगा, 11। 11 है जो आप अपने आप से डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो 67 में अगर हम 11 ऐड कर दें तो आपको कितना आएगा, 78 आएगा। आज 11 के बाद आपका प्राइम नंबर क्या होता है, 13 होता है। तो 78 में 13 ऐड करो तो आपको आ जाएगा 91, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 78, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्राइम नंबर की से आपको दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसी सीरीज वाला। आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन होंगे, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तो क्वेश्चन जरूर होंगे जो कि प्राइम नंबर के बेस्ड होगा। तो इस तरह से आप उस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहाँ पर दिया हुआ है आपका एल एंड क्यू और पी टी वाई, और आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा गया है कि यहाँ पर क्या पेयर होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को देखो आप, तो यहाँ पे एल एंड क्यू पी टी वाई, एल के एम एन ओ पी, तीन का डिफरेंस है यहाँ पे। उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस, फिर है टी, उसके बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स के बाद वाई, यानी कि यहाँ पे तीन का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका 5 का है और यहाँ पर 3, 3, 6, 7, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 3, यहाँ पे हो गया आपका 5 और यहाँ पे हो गया आपका 7, ठीक है, इतने का डिफरेंस। तो आपको इधर जो ऑप्शन दिया है उसमें भी यही देखना है, जिसमें 3 और 5 और 7 का डिफरेंस आए। तो यहाँ पे देखो इस वाले ऑप्शन को, तो यहाँ पे क्या है, डी ई एफ जी एच, 3 का डिफरेंस है, पहला वाला फॉलो हुआ, सेकेंड 5 का डिफरेंस बोला गया, तो एफ के बाद एफ जी एच आई जे के, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपका 5 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे आपका 7 को होना चाहिए, तो आई जे के एल एम एन ओ पी, तो यहाँ पे आपका 7 का डिफरेंस, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ट्रू हो गया, कौन सा, डी एफ आई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो एस, एस के बाद टी यू वी, यानी कि 2 का डिफरेंस यहाँ पे है। यहाँ पे देखें तो टी के बाद क्या आया है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वाई, टोटल 5 का डिफरेंस है, जो कि हमें चाहिए सिर्फ 3 का। इसमें देखें तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 का डिफरेंस सिर्फ इसी वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो पहले आप देखो किसमें 3 का ऑप्शन डिफरेंस आ रहा है, फिर जिसमें 3 का ऑप्शन आ रहा है उसको पकड़ के उसके साथ बाकी जो है ऑप्शन उनको भी चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ये सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पर मिसिंग टर्म आपको पता करना है कि मिसिंग टर्म क्या होगा, ठीक है। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, ऊपर में मैंने करवाया था जिसका आंसर था 100, ये रहा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था वही है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा दी हूँ कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पे इस क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको मिसिंग टर्म पता करना है, बी जी एन डब्ल्यू डैश यू, यहाँ मिसिंग टर्म क्या होगा। ऑप्शन है आई जे एच जी, ये ऑप्शन दिया गया, आप कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो देखते हैं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर बी से लेके हम यू तक के लेटर को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद आपको यहाँ पर फिनिश हो रहा है, जेड के बाद फिर से आप ए बी सी डी स्टार्ट कर दोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। अब देखो इसमें डिफरेंस कितने कितने का है, इसमें देखते हैं तो इसमें आपका 4 का डिफरेंस है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 4 का है। इसके बाद इसमें देखें तो इसमें आपका डिफरेंस कितना है, 3, 3, 2, 6, इसमें आपका 6 का डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे आपका डिफरेंस कितने का है, 8 का है, ठीक है। 8 के पास से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आपका आएगा, अब यहाँ देखो 4 के बाद 6, इसके बाद 8, यानी कि 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 8 के बाद 8 में 2 ऐड कर दो तो आ जाएगा 10, तो हमें यहाँ 10 का डिफरेंस लेना है, और 10 के बाद हमें डिफरेंस कितने का लेना है, 12 का लेना है, क्योंकि हम 2-2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐड करने के बाद से आप देखो, ऐड करने के बाद अब यहाँ पे देखो 4 डिफरेंस के बाद जी है, तो बी के बाद आपका क्या है, यहाँ पर जी है। 6 डिजिट के बाद क्या है, एन, तो आपको यहाँ एन दिया हुआ है। 8 डिजिट, 8 अल्फाबेट के बाद क्या है आपका, डब्ल्यू, ठीक है। अब 8 के बाद क्या है, 10 डिजिट, 10 अल्फाबेट को देखना है, तो यहाँ 10 को हम कंसिडर करते हैं तो हमारा क्या आता है, एच, यहाँ हो जाएगा आपका एच। और एच के बाद हमें 12 लेटर लेने हैं, 12 अल्फाबेट लेने हैं, तो यहाँ देखो आप 12 लोगे तो 12 के बाद 13 नंबर पे आपका आ जाएगा यू, जो कि आपको यहाँ मेंशन है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। इसके लिए आप एक ही काम कर सकते हो, आप ए बी सी डी लिख के रखना, ए बी सी डी लिख लेना पूरा, जिससे कि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको ईजी रहे, वहाँ पर आपको ए बी सी डी ना लिखना पड़े। तो आप पहले ही ए बी सी डी एक पेज पर लिख के रख लेना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सीरीज दिया गया है और इन करेक्ट टर्म आपको पता करना है कि कौन सा इन करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो आपको सीरीज दिया 2, 6, 14, 30, 62, 126, 252, 510, 1022, 2046 से आपको ये सीरीज दिया हुआ है और हमें रॉन्ग टर्म पता करना है। तो आप यहाँ देखो 2 का मल्टीप्लाई और ऐड दोनों किया मैंने, ठीक है। 2 का 2 में हम मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे तो आपका क्या आ गया 6, जो कि सेकेंड टर्म आपका है। फिर 6 जो आपका है इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई और प्लस कर दो तो आपका आ गया 14, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह 14 में 2 को करोगे प्लस और डिवाइड, सॉरी प्लस और मल्टीप्लीकेशन तो आपका आता है 13, ठीक है। उसके 13 में 2 को मल्टीप्लीकेशन और एडिशन करते हो तो आपका आएगा 62, जो दिया हुआ है। फिर उसके 62 में 2 का मल्टीप्लीकेशन और एडिशन करते हो तो क्या आएगा 126, जो कि आपका दिया है, ठीक है। यानी कि ये रूल फॉलो कर रहा है, जो कि आपको 2 का मल्टीप्लीकेशन और एडिशन करना है, वही रूल यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको क्या रहा है 254 आ रहा है और आपका दिया गया 252, यानी कि ये वाला टर्म आपका गलत है। अब ये गलत है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन कंफर्म करने के लिए सच में ये गलत है कि नहीं आगे प्रोसीड करते हैं। तो 254 में हम 2 से मल्टीप्लाई और एडिशन करते हैं तो आपका आएगा 510, जो कि यहाँ दिया गया है। उसके बाद से आप 510 में 2 से मल्टीप्लीकेशन और एडिशन करते हो तो आपको इतना आएगा, फिर से करोगे तो आपका इतना आएगा। यानी कि रूल फॉलो हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ये वाला जो है 252 आपका गलत है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक सीरीज दिया गया, एक इक्वेशन दिया गया है, जहाँ पे उस इक्वेशन में जो नंबर होंगे उनको इंटरचेंज करके आपको आंसर लाना है, जो कि आपको राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन दिया गया 320, 69, 36 एंड 620, ठीक है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन्हीं को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने का मतलब कि जैसे यहाँ 320 दिया है ना, तो आपको क्या करना है इस इक्वेशन में जहाँ 3 वहाँ 20 करो, जहाँ 20 वहाँ 3 कर दो, और उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको 42 आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है तो सेकेंड ऑप्शन पकड़ो जो कि 69 है, वहाँ पे 6 को 9 करो, 9 को 6 कर दो और उसके बाद उसको सॉल्व करो। इसी तरह से एक क्वेश्चन और अभी अभी आपको मिल जाएगा, आप लोग अपने पेपर, आपके पास ये क्वेश्चन पेपर होगा ही, आप लोग वहाँ देख लेना। उसमें भी यही है कि उसमें क्या किया है ना, ये जो साइन है जहाँ प्लस माइनस डिवीजन रखा हुआ है, वहाँ पर उस साइन को चेंज करके आपको लाना है, जो कि राइट हैंड साइड पर दिया होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन दिया है उसके साइन को चेंज करो और उसको सॉल्व करके जो राइट हैंड साइड पे उसके बराबर लाना है, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आपको इक्वेशन दिया गया है 24 डिविजन बाई 6 प्लस 9 इंटू 3 माइनस 20, ये आपको दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें हमें ये चीज पुट करके इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देखो क्या किया मैंने, 6 और 3 को इंटरचेंज किया, जहाँ 3 है वहाँ 6 कर दिया, जहाँ 6 है वहाँ 3 कर दिया है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को तो आपका आ जाएगा 42, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 6 और 3। मेरी एडवाइस है आपके लिए यही है कि जब आपको इस तरह से ऑप्शन चूज करना हो, कौन सा ऑप्शन यहाँ फिट हो रहा है, तो उसके लिए आप सबसे पहले ऑप्शन बी को पकड़ो, ऑप्शन बी को उसमें फिट करने की कोशिश करो। अगर ऑप्शन बी से हो जाता है वो इक्वेशन राइट हैंड साइड की इक्वल आ जा रहा है, या फिर आपकी प्रॉब्लम जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाती है, तो ऑप्शन बी तो आपका ट्रू हो जाएगा। बट अगर ऑप्शन बी का नहीं होता है तो ऑप्शन बी के बाद सी पकड़ो और सी के बाद ए, लास्ट में आप ऑप्शन डी पकड़ सकते हो। तो इस तरह से आप करोगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, पहले आपको ऑप्शन बी पकड़ के ऑप्शन बी से चेक करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको मिले ऑप्शन बी को पहले चेक करो, अगर ऑप्शन बी हो जाता है ठीक है, नहीं होता है तो ऑप्शन सी को चेक करो, ऑप्शन सी के बाद ए को चेक करो, ए के बाद डी। तो ये आप यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, ये प्रैक्टिकली प्रूफ है, ज़्यादातर ऑप्शन बी ट्रू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप कर सकते हो, बी पहले बी को चेक करना, बी के बाद आप सी को चेक करो, सी के बाद ए को चेक करो और ए के बाद आप किसको चेक करो, डी को, ठीक है। इस सीरीज को यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, इसे आप लोग एक बार जरूर देख लेना। इस तरह से अगर करते हो ना तो आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन ट्रू होने के ऑप्शन बी की चांस होती है, ऑप्शन बी के बाद होता है सी का, और सी के बाद चांस होता है ए का, ए के बाद होता है डी का, लास्ट में डी आता है, ठीक है। तो जब आपको इसे चॉइस करना पड़े तो आप पहले बी ऑप्शन को लो, ऑप्शन बी को लेके चेक करो, उसके बाद ऑप्शन बी से अगर सॉल्व होता है नहीं है, ठीक है नहीं होता है, तो आप ऑप्शन सी को पकड़ो, सी को नहीं होता है तो उसके बाद से आप ए को पकड़ो, ठीक है। तो इस तरह से आप करो, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहाँ पे आपको ये दिया गया है DHM NHW, और आपको क्वेश्चन मार्क जगह पर पूछा गया कि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो DHM NHW दिया गया है, इस तरह से मैंने लिख लिया डी और एन के बीच के जितने भी डिफरेंस है नंबर वो लिख लिया यहाँ पर, एक मिनट, EFGHIJKLM, ठीक है, उसके बाद एन है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है, 3, 6 एंड 9,
यहाँ पे आपको 9 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस कितने का है, 10 का है। काउंट कर सकते हो, 3 6 3 9, 9 + 1 10, ठीक है। इसके बाद इसमें भी देखो, तो इसमें भी आपका 9 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्या रूल फॉलो कर रहा है, पहला और जो तीसरा है उन दोनों में डिफरेंस कितने का, 9 का है, और जो बीच का है वो 10 है। यानी कि जो पहला और तीसरा होगा उन दोनों में जो डिफरेंस होंगे वो कॉमन होंगे, और जो बीच वाला होगा उन सबसे एक ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो चीज को हमने रूल फॉलो किया और उसे फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन किया। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, पी टी वाई और बी जी के, ठीक है। तो इन दोनों में देखो, पी और बी के बीच में डिफरेंस, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 11 का है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ टी से लेके जी तक का लिखी हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड खत्म हुआ, फिर ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। टी कितना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है आपका, 12 का है। अगर नीचे भी 11 हो गया तब ये वाला ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 11 का है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन, यानी कि पी टी वाई बी जे के, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, बी आपका ट्रू हो जाएगा। ये दो में डिफरेंस देखे तो यहाँ पे एम और एन, एक का डिफरेंस है, लेकिन लास्ट वाले में देखो एक का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे देखो, तो सब में क्या डिफरेंस, अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, इसलिए ऑप्शन बी आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे झारखंड का रांची दिया, यानी कि झारखंड का कैपिटल होता है रांची। तो यहाँ पे हमें कैपिटल देखना है कि कैपिटल किसका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आओ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो झारखंड का कैपिटल क्या होता है, रांची। तो आपका जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का कैपिटल होता है चेन्नई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये वाला आपका ट्रू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा इस केस में, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका कि आपको सर्टेन कोड दिया हुआ है, इसका कोड ये दिया है और इसका कोड पूछा गया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा, यहाँ देखो, यहाँ पर बस क्या गया है ना, क्रॉस किया गया है, एक्स को इधर कर दिया गया है, ई को इधर कर दिया गया, आर को इधर, ओ को इधर, सिर्फ इस तरह से क्रॉस क्रॉस किया गया, ठीक है। आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, तो जब आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन क्या दिया, उसका कोड क्या गया, उसमें कोड में जितने भी अल्फाबेट दिया गया है क्या वो सब उसमें है, अगर सारे अल्फाबेट हैं तो यानी कि जो भी अल्फाबेट उन्हीं को इंटरचेंज बस किया गया है, उनके प्लेस चेंज किए गए हैं। तो आप यहाँ क्या करो, उनके प्लेस चेंज कर दो, जिस तरह से यहाँ पर प्लेस चेंज किया गया वही चीज़ यहाँ पर फॉलो किया गया, तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, आर टी एम ए ओ पी आई एल ई एन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में बता दी हूँ, टाइम कम था इसलिए मैं पूरे क्वेश्चन नहीं कम्प्लीट की हूँ, पूरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाई हूँ, बट जितने भी किया है मैंने आप लोग एक बार देख लेना ही है, और मैं शाम रात तक आपको पजल्स के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि एक बार आपके पजल्स के भी प्रैक्टिस हो जाएं। तो पजल्स के मैं करती हूँ रात तक, और अगर कोई डाउट रह जाता है इसमें जो भी मैंने अभी बताया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन बैठा जाने से पहले अगर फर्स्ट टाइम अपना चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। एंड आपके जितने भी फ्रेंड हैं जिनका पेपर है तो वो एक बार मेरी वीडियो उनको शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं, इनको आप देख सकते हो। इनके स्नैपशॉट लेना चाहते हो तो आप स्नैपशॉट ले लेना, क्वेश्चन जैसे जैसे मैं दिखाती गई हूँ सबके स्नैपशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। और मेरी गाइड और मेरी टिप्स यही है कि आप आराम से पेपर देना, रिलैक्स होकर देना, खुद से करने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन ईजी आते हैं, आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे, आपको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। और अगर इन केस, क्योंकि इसके कोई भी क्वेश्चन आपको नेट पर नहीं मिलने वाला, तो अगर ये सोचते हो कि हम नेट से हेल्प ले लेंगे तो नेट से भी आपका नहीं होने वाला है। हाँ, नेट की अगर आप हेल्प ले रहे हो तो इसमें एक केस हो सकता है कि आप वहाँ पर मीनिंग देख सकते हो, अगर किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही है तो आप उन वर्ड की मीनिंग देख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको वहाँ कोई हेल्प नहीं मिलने वाला नेट पर। और चाहो तो आप फॉर्मूले, अगर आपको नहीं आते तो आप फॉर्मूले देख सकते हो, बट यहाँ पे आपके फॉर्मूले बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपके क्वेश्चन ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। तो चलिए कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना, और शाम तक मैं अरेंज करती हूँ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने की, जैसे ही होता है मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट कर देना, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, ठीक है। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।